मध्य प्रदेश के विदिशा में बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा हुई प्रारंभ। जिले भर में 76 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुआ हिंदी का पहला पर्चा। प्रभारी कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भारस्टा ने किया केंद्रों का निरीक्षण। आज से कक्षा 12 के बोर्ड की परीक्षा का प्रारंभ हो गया। पहला दिन हिंदी का प्रचार था। विदिशा जिले के 76 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गयी है। प्रभारी कलेक्टर और जिला पंचायत CEO डॉक्टर योगेश तुकाराम भारस्टा सहित शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारी भी परीक्षा केंद्रों पर सतत निरीक्षण कर रहे थे। जिले भर में करीब 21,000 से ज्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। विदिशा से तोरण सिंह, शिल्पकार की रिपोर्ट। चल रहे हैं अभी, ये निरीक्षण किया गया है आपके द्वारा, सब क्या देखा गया? विदिशा जिले के 10वीं और 12वीं के बोर्ड की एग्ज़ाम है मार्च महीने में, और उसकी पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा की गई है। इसमें केंद्राध्यक्ष नियुक्ति से लेके हो या सहायक केंद्राध्यक्ष हो या जो लॉजिस्टिक है, पेपर पहुंचाने की व्यवस्था, थाने से पेपर प्राप्त करने की व्यवस्था, और जो केंद्र है समस्त उसकी समस्त व्यवस्था हो गई है। और उसी के निरीक्षण में आज मेरे द्वारा लगभग विदिशा के सभी स्कूलों में आज विजिट किया गया। केवल MLV को छोड़ के जितने भी सेंटर है वहाँ पे आज पहला पेपर था हिंदी का। सभी जगह शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा आयोजित हो रही है और सभी छात्राएं इसको शांति तरीके से, किसी भी प्रकार का अनुचित प्रकार दिखने में नहीं आया है, और इस प्रकार से जितने भी पेपर हैं सभी शांतिपूर्ण ढंग से होंगे।